नमस्कार। आज जो एक्टिविटी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने लिए हैं कॉफ़ी के दो खाली जार, ये इनके ढक्कन हैं, एक कैंडल, एक मैच बॉक्स, एक कागज़, इस कटोरी में थोड़ा सा ऑयल है और उसको डालने के लिए मैंने पेन की रिफिल ली है, जिसे ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं ऑयल डालूँगी। एक सैनिटाइज़र की बॉटल है और ये है दो टिश्यू पेपर, एक जैसे टिश्यू पेपर के दो टुकड़े। अब मान लीजिए ये दोनों कॉफ़ी के मग्स में अभी आपको क्या दिख रहा है, हवा है जो हमारे वातावरण में है। और अगर मैं इस ऑयल ड्रॉपलेट को कोरोना की आउटर कवरिंग मानूँ, कोरोना की आउटर कवरिंग ऑयली होती है ये सबको पता है, तो इस रिफिल से मैं इन दोनों में एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देती हूँ, एक ड्रॉप और एक ड्रॉप। सो बोथ हैव गॉट वन ड्रॉप ऑफ ऑयल। समझ लीजिए इस हवा में कोरोना आ गया और ये भी इस हवा में कोरोना आ गया, और इन दोनों को मैं, ये जो हमारा समझ लीजिए ये अर्थ का बाउंड्री है, इकोसिस्टम है, उसके चारों तरफ कोरोना उसमें फैल गया, तो मैंने इसकी कांच की सरफेस पर भी और इसकी सरफेस पर भी कोरोना को या ऑयल को फैला दिया है, दोनों में बराबर है। अब इस सैनिटाइजर स्प्रे को मैं इसमें दो बार लगाऊंगी और इसमें भी दो बार लगाऊंगी, लेकिन दोनों में से एक में फ़र्क होगा। एक में हवा शुद्ध होगी जो वातावरण में आजकल शुद्ध हवा है, और एक में पॉल्यूटेड एयर होगी। सैनिटाइजर को अपना इफेक्ट दिखाने में 2 मिनट का टाइम लगता है, तो इसमें जब मैं सैनिटाइज़र डालूँगी तो क्या इफेक्ट रहेगा, और इसमें जब सैनिटाइज़र डालेंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा, वो आप देखिएगा। और हम टाइम भी नोट करेंगे 2 मिनट। सो इसमें पहले हम इस वाले जार में सैनिटाइज़र डालते हैं, थोड़ा सा सैनिटाइज़र स्प्रे, इनफ फॉर द ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। और मैं इसको 2 मिनट के लिए, टाइम है आई लीव इट फॉर 2 मिनट्स, थोड़ा सा शेक करके आई लीव इट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा क्लीन एयर बना है। अब यहाँ पर मैं कैंडल जलाती हूँ, पंखा बंद करना पड़ेगा। सो फैन ऑफ कर दिया मैंने और मैं अब कैंडल जला रही हूँ। कैंडल जल गई है और ये जो पेपर है, तो पेपर जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बर्न करके इस कोरोना वाले एनवायरनमेंट में इसको डाल रही हूँ, ताकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाए, मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा हम उसका इफेक्ट तभी देख पाएंगे। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जिसमें कोरोना भी है। कैंडल को बुझा देते हैं। अब इसमें सैनिटाइजर स्प्रे डालेंगे। इसको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गए हैं, होने वाले हैं, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको भी अभी 2 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे। सॉरी, सैनिटाइजर डाल के, तो इसमें सैनिटाइजर स्प्रे हो चुका है, तो मैं इसमें चेक करती हूँ ऑयल कितना बचा है, यानी कि कोरोना कितना बचा है। कंटेनर अच्छे से, इसमें ऑयल का कंटेंट जो है आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट गॉन, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा येलो है। तो आई कीप इट इनसाइड। अब इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट कोरोना वाले जानवरों में स्प्रे करती हूँ सैनिटाइजर स्प्रे। इसको अलग रख देते हैं स्प्रे से दूर। सो इसमें हमने 2 बार स्प्रे किया था, इसमें भी 2 बार स्प्रे करेंगे।
टाइम हमारा हुआ है, आई विल कीप इट फॉर 2 मिनट्स. सो आपको क्या लगता है किसमें कोरोना अभी भी रहेगा और किसमें कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली जिसमें 3 ईयर है. अभी हम चेक करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स. इस जार को 2 मिनट हो गए हैं और हम आपको उसको नज़दीक से दिखाऊं तो इसमें अभी भी ऑयल का कंटेंट है, थोड़ा थोड़ा ऑयल है. और मैं इसको अगर टिश्यू पेपर से वाइप करती हूँ और शो यू द टिश्यू पेपर, वो उसका रंग कैसा रहता है. वाइप इट अच्छी तरह से वाइप करूँ जो शो कितना कोरोना रहता है इसमें, कितना ऑयल रहता है. अब देखिए कितना ऑयल है, इतना सारा ऑयल, इतना सारा कोरोना. अब दोनों को कंपेयर करते हैं. वो टिश्यू पेपर है जिसमें कि साफ एयर था और ये वो है जिसमें पोल्यूटेड एयर था. तो आप देख सकते हैं जब तक एनवायरनमेंट पोल्यूटेड रहेगा, जितना ज़्यादा पोल्यूटेड रहेगा उतनी ही देर से कोरोना धरती से जाएगा. तो ये फैसला हमें करना है कि हम धरती के एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड रहना देना चाहते हैं, कोरोना को रहने देना चाहते हैं लंबे समय तक, या कोरोना को धरती से भगाना चाहते हैं. थैंक यू.